इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम मांग का नियम और उसकी अवधारणा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मांग के नियम के अंतर्गत हम सबसे पहले मांग का अर्थ, परिभाषा तथा उसकी अवधारणा को जानने का प्रयास करेंगे। मांग की विशेषताएं, मांग तालिका के प्रकार, मांग के प्रकार, मांग के नियम की रेखाचित्र द्वारा व्याख्या, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग के नियम की कार्यशीलता के कारण तथा अंत में मांग का नियम गुणात्मक कथन है या परिणात्मक कथन, इसकी विवेचना करेंगे। मांग से आप क्या समझते हैं? साधारण भाषा में मांग का अर्थ वस्तु की इच्छा, लालसा अथवा आवश्यकता से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ किसी व्यक्ति के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा से है। प्रभावपूर्ण इच्छा को ही आवश्यकता कहते हैं। प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु को खरीदने के लिए इच्छा का होना। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को अगर खरीदना है तो सबसे पहले उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर उसके अंदर इच्छा नहीं होगी तो वह वस्तु का नहीं खरीदेगा। दूसरा, वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त साधन का होना, अर्थात उसके पास धन का होना या पूंजी का होना आवश्यक है। किसी वस्तु के पास उसको खरीदने की तो इच्छा तो है, परंतु उसके पास उसे खरीदने के साधन नहीं है तो यह मांग नहीं कहलाएगी। तीसरा, साधन को प्राप्त करने की तत्परता या तैयार होना, अर्थात व्यक्ति के पास किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा भी है, उसको खरीदने के लिए उसके पास साधन अर्थात धन भी है, लेकिन वह वस्तु को खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो मांग नहीं कहलाएगी। अर्थात उसे साधन को प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर जाना होगा जहां वो वस्तु मिलती है। चौथा, कीमत तथा समय के अनुसार वस्तु की मात्रा की मांग करना, यह भी किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति वस्तुओं की कीमत और समय के अनुसार ही वस्तु की मांग करता है। जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ कीमत और समय जोड़ दिया जाता है तब वह मांग बन जाती है। इसी को मांग कहते हैं। एक और उदाहरण से हम मांग को समझ सकते हैं। बाजार में आज दूध की मांग 50 रुपये प्रति लीटर है, अर्थात आज बाजार में 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध की मांग की जा रही है। सभी उपभोक्ता 50 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर ही दूध बाजार से खरीदेंगे। अगर मूल्य बढ़ता है तो वे इसकी कम मांग करेंगे और मूल्य कम होने पर दूध की अधिक मांग करेंगे। वस्तुओं की मांग प्रत्येक समय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। मांग की प्रमुख परिभाषा इस प्रकार है। प्रोफेसर पेरेंट्स के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें व्यय करने की हमारे अंदर तत्परता हो उसे मांग कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए और वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए और उस साधन को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए कि हम उस वस्तु पर पैसे खर्च करें।
तो उसे हम मांग कहेंगे। तो ये था मांग का उदाहरण और उसकी परिभाषा। आपने मांग के अर्थ के बारे में पढ़ा, अब हम मांग की तालिका क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। एक निश्चित समय पर बाजार में दी गई विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्राएं बेची जाती हैं, यदि इस संबंध को एक तालिका का रूप दिया जाता है तो उसे हम मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति विशेष द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं की मांग करेगा उसे प्रदर्शित करने वाली तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। इसको हम व्यक्तिगत मांग तालिका से समझ सकते हैं। प्रति इकाई कीमत यहाँ पे रुपए में दी गई है, 10 रुपये, 8, 6, 4 और 2, अर्थात कीमत ऊपर से नीचे की ओर कम होती जा रही है। दूसरी तरफ उपभोक्ता ए द्वारा मांगी गई मात्रा, अर्थात उपभोक्ता द्वारा कीमत के आधार पर वस्तुओं की मात्रा की मांग यहाँ पे दिखाई गई है। अगर किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये होती है तो उपभोक्ता उसकी एक इकाई की मांग करेगा। अगर किसी वस्तु की कीमत 8 होती है तो उपभोक्ता उसकी 3 वस्तु की मांग करेगा। अगर 6 होती तो 4, 4 होती तो 6, और अगर कीमत बहुत ही कम हो जाती 2 रुपये तो वह उसकी 8 इकाई का मांग करेगा। तो इससे यह पता चलता है कि वस्तु की कीमत अगर कम होगी, ऊपर से नीचे वस्तु की कीमत कम होगी, तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी, ये 1 से 8 पहुंच जाएगी। अगर कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा ऊपर तक मांगी गई मात्रा की इकाइयां कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका, जिसमें केवल एक व्यक्ति की मांग को दिखाया या दर्शाया जाता है। बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बाजार मांग तालिका एक वस्तु के लिए कुल उपभोक्ताओं की मांग का योग है, अर्थात बाजार मांग तालिका में हम एक उपभोक्ता को ना लेते हुए बाजार में कई सारे उपभोक्ताओं की मांग का योग को लेते हैं। इसको हम तालिका के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। हमने एक उदाहरण दूध का लिया है, दूध की कीमत रुपए में प्रति लीटर यहाँ पे दी हुई है, और उपभोक्ता ए की मांग, उपभोक्ता बी की मांग, और बाजार में हमने दोनों उपभोक्ताओं की मांग को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले दूध की कीमत अगर 60 प्रति लीटर होगी तो उपभोक्ता उसकी 3 लीटर मांग करेगा, बी उपभोक्ता उसका 2 लीटर मांग करेगा, तो बाजार की मांग कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 2 अर्थात 5 लीटर मांग हो जाएगी अगर दूध की कीमत 60 रुपये है। अगर दूध की कीमत घटती है, 60 की बजाय 50 होती है, तो ए उपभोक्ता उसकी 4 लीटर की मांग करेगा, बी उपभोक्ता 3 की करेगा, तो कुल मांग हो जाएगी 7। इसी प्रकार दूध की कीमत अगर 45 होती है तो ए उपभोक्ता उसकी 5 मांग करेगा, बी उपभोक्ता भी 5 करेगा, और टोटल हो जाती है 10। इस प्रकार कीमत अगर और कम हो जाती है 35, तो ए उपभोक्ता 6 लीटर दूध की मांग करेगा, बी उपभोक्ता 8 लीटर,
दूध की मांग करेगा और टोटल हो जाता है 6 + 8 = 14 लीटर। तो इससे यह पता चलता है कि जैसे जैसे दूध की कीमत में कमी होती है वैसे वैसे उसकी उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि होती है। देखो उपभोक्ता की मांग में पहले से ज़्यादा वृद्धि हो रही है और बाजारी मांग में भी वृद्धि होती है, पहले 5 थी और अब 14, तो बाजारी मांग में भी वृद्धि हो रही है। तो बाजारी मांग तालिका से हमें विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा जो मांग की जाती है बाजार में उनका योग बाजार मांग तालिका कहलाती है। अभी तक आपने मांग की तालिकाओं के बारे में पढ़ा, अब हम मांग के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। मांग, मांग के अंदर सबसे पहले 3 मांग होती हैं, कीमत मांग, आय मांग और तिरछी मांग। आय मांग को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं और घटिया या निम्न वस्तु। मांग के प्रकार, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। अभी तक आपने मांग के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना, अब हम एक एक कर इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम कीमत मांग के बारे में पढ़ते हैं। कीमत मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाती है। यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर उसकी मांग कम हो जाएगी। इसको हम एक चित्र से समझ सकते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं सेब है और सेब की कीमत में वृद्धि हो रही है। अगर सेब की कीमतों में वृद्धि होगी तो उसकी मांग में कमी होगी, अर्थात उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा का उपभोग करेगा। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु की कम मांग करेगा। इसके विपरीत वस्तु की कीमत घट जाने से वह उसकी मांग अधिक करेगा या उसकी मांग बढ़ जाएगी। चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेब की कीमतों में गिरावट आई तो उपभोक्ता की मांग में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात कम कीमत पर उपभोक्ता अधिक वस्तु खरीदेगा या उसकी अधिक मांग करेगा। कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध का मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग में कमी आएगी और वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसकी मांग में वृद्धि होगी। इसी को ही कीमत मांग कहते हैं। तो वस्तुओं में आय मांग कैसी होती है उसका हम अब अध्ययन करते हैं। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र घनात्मक वाला होता है क्योंकि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में भी वृद्धि करती है। इसके विपरीत आय की प्रत्येक कमी सामान्य दशाओं में मांग में भी कमी उत्पन्न करती है। आय में अगर वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी और आय में अगर कमी हुई तो श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग में भी कमी होगी। इस प्रकार श्रेष्ठ वस्तुओं में आय मांग वक्र घनात्मक वाला होता है। घटिया वस्तुओं में आय मांग, घटिया वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र घनात्मक ढाल वाला होता है। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है। आय स्तर के पर्याप्त ना होने पर ही इन वस्तुओं को वो खरीदता है, जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा आदि। जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो वह घटिया वस्तुओं को खरीदने के लिए मजबूर होता है। लेकिन अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो
तो वह इन घटिया वस्तुओं का उपभोग त्याग कर या घटाकर श्रेष्ठ वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि करने लगता है। आय में अगर उसकी वृद्धि होती है तो क्या होता है, घटिया वस्तुओं की मांग में कमी होगी, और आय में अगर उसकी कमी हुई तभी वो घटिया वस्तुओं का उपभोग करेगा, तभी मांग में वृद्धि होगी। इसलिए घटिया वस्तुओं में आय मांग का वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तिरछी अथवा आड़ी मांग, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की एक्स कीमत में परिवर्तन होने से उसकी सापेक्ष संबंधित वस्तु वाई की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी मांग कहते हैं। ये संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं, सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे यदि चाय और कॉफी में कॉफी की कीमत कम होने और चाय की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर उपभोक्ता कॉफी की मांग अधिक करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वस्तुएं चाय और कॉफी, अगर चाय की कीमत कॉफी की तुलना में बढ़ जाती है और कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उपभोक्ता कॉफी की मांग अधिक करेगा। ऐसी पूरक वस्तुएं होती हैं, ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे स्कूटर व पेट्रोल। यदि स्कूटर की कीमत में तीर वृद्धि हो जाए तब स्कूटर की पूरक वस्तु पेट्रोल की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार पूरक वस्तु की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। आपने देखा कि स्कूटर और पेट्रोल ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, पेट्रोल से ही स्कूटर चलता है, तो जब स्कूटर की मांग बढ़ती है तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ती है, स्कूटर की मांग घटती है तो पेट्रोल की मांग भी घटती है। अगर स्कूटर की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो जाए तो पेट्रोल की कीमत पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए पूरक वस्तुओं की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, अर्थात अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त मांग, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तब ऐसी मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे गेंद और बल्ला, जूता मोजा, स्कूटर और पेट्रोल आदि। जैसे आपने देखा क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला और बॉल की आवश्यकता होती है, ऐसी जूता पहनने के लिए सॉक्स जुराब की आवश्यकता होती है, ऐसे ही कार चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न मांग, एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वयं उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े के उत्पादन में प्रयोग होने वाले उत्पत्ति के साधनों की मांग में वृद्धि होना। जैसे आपने देखा कि अगर कपड़ों का निर्माण होता है तो उसके लिए धागों की मांग बढ़ जाती है, और धागों के निर्माण के लिए कपास उत्पादन की मांग बढ़ जाती है, अर्थात तीनों के कारण ही वस्त्रों का निर्माण होता है। तो एक वस्त्र निर्माण करने के लिए हमें मशीनों, धागों, कपास,
सभी चीज की आवश्यकता होगी। तो एक वस्तु के निर्माण में इन सभी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। सामूहिक मांग, एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोग में मांगी जाती है तब ऐसी वस्तुओं की मांग को सामूहिक मांग कहते हैं, जैसे कोयला, बिजली, दूध आदि। जैसे दूध का प्रयोग अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, दही, घी आदि बनाने में किया जाता है तो उसे हम सामूहिक मांग कहते हैं। अगर दूध की कीमत में वृद्धि होगी तो इससे बनने वाली वस्तुएं आइसक्रीम, दही, पनीर, दूध आदि सभी महंगा हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर दूध की कीमत कम होगी, उसकी कीमत में कमी आएगी तो इन सब वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी। तो सामूहिक मांग में एक ही वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं, उसी को सामूहिक मांग कहते हैं। अभी तक आपने मांग का अर्थ और मांग के बारे में पढ़ा, अब हम मांग के नियम के बारे में पढ़ते हैं कि मांग का नियम आखिर है क्या। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मांग के नियम की परिभाषा को जानना होगा। मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत में कमी होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, इसे ही मांग का नियम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग कम होगी, और अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। एक और परिभाषा लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है। गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है तथा बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घटती जाती है। अर्थात अगर किसी वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी, और अगर किसी वस्तु का मूल्य अधिक बढ़ता है तो उसकी मांग घटती चली जाएगी। मांग के नियम की कुछ विशेषता इस प्रकार है। यह नियम अन्य बातें समान रहने पर ही कार्यशील रहता है, अर्थात यह नियम तभी लागू होगा जब कुछ बातें समान रहें। कहने का मतलब यह है कि बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक आपदाएं, कई प्रकार की ऐसी असामान्य घटना जो उसको प्रभावित ना करे, तभी यह नियम कार्यशील होगा। दूसरा है, मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग का नियम जो इस बात पर आधारित है कि कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत। तीसरा, यह परिणात्मक कथन ना होकर गुणात्मक कथन है। मांग के नियम की व्याख्या। मांग का नियम, इस व्याख्या में हम बाजार में किसी समय विशेष में किसी एक उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर केलों की मांग तालिका के अनुसार करते हैं। तो मांग के नियम की व्याख्या के लिए हम सबसे पहले एक तालिका का निर्माण करेंगे। यह एक उपभोक्ता की तालिका है जिसमें एक तरफ हमने केलों की कीमत को दर्शाया है प्रति दर्जन रुपए में, दूसरी तरफ केलों की मांग है प्रति दर्जन में। केलों की मांग तालिका से स्पष्ट है कि केलों की कीमत अगर 20 प्रति दर्जन है तो उपभोक्ता द्वारा 30 दर्जन केलों की मांग की जाती है। जैसे यहाँ पे दिखाया कि प्रारंभिक कीमत अगर 20 रुपये है तो केलों की मांग यहाँ पर कितनी की जा रही है, 30 प्रति दर्जन केलों की मांग की जा रही है। अगर यहाँ से कीमत 20 रुपये से क्रमश से बढ़कर 25 और 30 रुपये हो जाती है तो मांग भी घटकर 20 और 10 रह जाती है। अगर कीमत
20 से बढ़कर 25 और 25 से 30 हो जाए, ये कीमत अगर यहाँ बढ़ जाए तो केलों की मांग में कमी आती है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में कमी आती है। इसके विपरीत यदि केले की कीमत घटकर 15, 10, 5 रुपये हो जाती है तो केले की मांग बढ़कर 40, 50, 60 दर्जन हो जाती है। अब ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ अगर कीमत कम हो रही है, 15 रुपये हो गई, फिर 10 और 5 रुपये हो गई, तो केलों की जो मांग है प्रति दर्जन वो यहाँ पर बढ़ रही है ऊपर की ओर, अर्थात कीमत कम होने पर मांग अधिक होती है। तो मांग का नियम हमें बताता है जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो उसकी मांग में कमी आ जाएगी, और इसके विपरीत अगर केलों की कीमत कम होती चले जाएगी तो उसकी मांग में बढ़ोतरी होती चले जाएगी। इसी को मांग का नियम कहते हैं। अभी तक आपने मांग तालिका के निर्माण के बारे में जाना कि मांग का नियम कैसे कार्य करता है। अब हम उसी मांग तालिका के आधार पर रेखा चित्र का निर्माण करते हैं कि किस प्रकार मांग का नियम कार्य करता है और मांग की रेखा कैसे बनती है। तो पहली कॉलम पे हमने केलों की कीमत को दर्शाया है और दूसरे कॉलम पर हमने केलों की मांग प्रति दर्जन में दर्शाया है। सबसे पहले रेखा चित्र में ओ एक्स पर हम केले की मांग यहाँ पे दर्शाएंगे और ओ वाई एक्स पर केले की कीमत प्रति दर्जन में दर्शाएंगे इस वाली बिंदु पर। तो सबसे पहले अगर केले की कीमत 5 रुपये होती है तो उसकी मांग 60 हुई, 60 दर्जन केलों की मांग हुई, उसको हम इस बिंदु पर दर्शाएंगे। केलों की मांग इस बिंदु पर और केले की कीमत इसमें, तो 5 रुपये पर 60 दर्जन केलों की मांग यहाँ पर आएगी। इसके बाद अगर केले की कीमत 10 होती है, बढ़ती है, तो केले की मांग कितनी हो गई, 50, घट गई है, तो केले की मांग में कमी आई है, पहले 60 थी और अब 50 हो गई 10 रुपये पर। ऐसी 15 पर 40 यहाँ पर आ गई, 20 रुपये अगर कीमत होती है तो 30 हो गई, घट गई, और कीमत अगर और बढ़ती है 25 हुई तो 20, और अगर कीमत बढ़कर 30 रुपये हो जाती है तो मांग घटकर केवल 10 हो गई, तो वो इस बिंदु पे आ गई, 30 रुपये पर केवल 10 मांग रह गई। अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है केलों की मांग में भी कमी आ रही है। अब इन बिंदुओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये डीडी डिमांड रेखा कहलाएगी, इसको हम हिंदी में मांग रेखा भी कहते हैं। अब रेखा चित्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे केले की कीमत ऊपर से नीचे घट रही है, पहले कीमत अगर 30 रुपये थी, कोई 25 हुई, फिर लास्ट में 5 रुपये हो गई है, तो क्या होगा, जब केले की कीमत घटेगी तो मांग की मात्रा बढ़ेगी, ऊपर से ये मांग की मात्रा इधर को बढ़ रही है, कीमत अगर पहले 30 रुपये थी तो मांग केवल 10 रुपये थी, केलों की मांग 10 रुपये, 10 मांग दर्जन थी, ऐसी 25 रुपये हुई तो ये बढ़ के 20 हो गई। तो देखा आपने कि कीमत घट रही है और मांग इधर को बढ़ रही है। अब जो जो कीमत बढ़ती है, अब कीमत ऊपर को बढ़ रही है तो मांग की मात्रा घटती जा रही है, कीमत बढ़ रही है मतलब पहले 5 थी, फिर 10 हुई, 15, 20, 25 और 30, तो केले की मांग सबसे कम कीमत पे कितनी थी, 60, मतलब 5 रुपये पर केले की मांग 60 दर्जन थी, और कीमत बढ़ते बढ़ते 30 हो गई तो केले की मांग की मात्रा भी कम होती चलेगी और अब यहाँ केवल 10 केले की मांग रह गई, 10 दर्जन केले की मांग रह गई है। तो यह नियम
यह व्याख्या करता है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग की मात्रा घटती है, और कीमत घटती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। तो किसी भी वस्तु की जो मांग का नियम बताता है कि कीमत और मांग, वस्तु की मांग की मात्रा में कौन सा संबंध होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं, आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। सामान्यतः जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, और आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। अर्थात लोगों की आय में वृद्धि होने से वे वस्तुओं की मांग अधिक करते हैं, खासकर विलासिता वस्तु आदि की, और आय कम होने पर वह वस्तुओं की मांग कम करते हैं क्योंकि उनकी आय कम हो गई है, अब वो और अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय नहीं कर पाते हैं। वस्तु का मूल्य दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। वस्तु का मूल्य, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, और वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। अर्थात वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन आता है। अगर वस्तु की मांग, वस्तु का मूल्य अगर अधिक हो जाता है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग कम करते हैं, और वस्तु का मूल्य अगर कम हो जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की रुचि और समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन हो जाता है तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत वस्तु के फैशन के बाहर हो जाने पर उनकी मांग में कमी हो जाती है। आपने देखा होगा आज से 15-20 साल पहले लोग बॉल बॉटम पैंट का प्रयोग करते थे, लेकिन आज बेल बॉटम पैंट का कोई प्रयोग नहीं करता, जिसके कारण उसकी मांग आज ना के बराबर है। तो फैशन के अनुसार ही वस्तुओं की मांग की जाती है। अगर जो वस्तु नए फैशन में प्रचलित होती है तो उसकी मांग ज्यादा होती है। ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे शरद ऋतु में कीमत बढ़ने पर भी गर्म कपड़ों की मांग में वृद्धि होती है। जैसे आपने देखा जैसी सर्दियां आती है तो स्वेटर और रजाइयां आदि की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जबकि उनकी कीमत अधिक होती है तो भी लोग उन्हें खरीदने को तैयार रहते हैं। व्यापार की दिशाओं में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में तेजी काल अर्थात मुद्रास्फीति काल में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, जिससे कारण कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत मंदी काल में मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मूल्य स्तर के गिरने पर भी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। भविष्य में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना, जब कभी भविष्य में कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना होती है तो वर्तमान काल में वस्तु के मूल्यों पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे एक उदाहरण है सोना। सोना की मांग अगर भविष्य में बढ़ने वाली होगी तो वर्तमान समय में उसकी मांग बढ़ जाती है, तो लोग अधिक से अधिक मात्रा में सोने का संग्रह करने लगते हैं। तो ये थे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। अभी तक आपने मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जाना। अब हम मांग के नियम की कार्यशीलता के क्या कारण हैं
उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा है सीमांत उपयोगिता हास नियम की कार्यशीलता के कारण। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता हास नियम हमें बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो उपभोक्ता को मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अगर एक उपभोक्ता प्रारंभ में अगर एक सेब का उपभोग करता है तो उसे उपयोगिता बहुत अधिक प्राप्त होती है, लेकिन जब वो सेब की इकाइयों का लगातार और अधिक उपयोग करेगा तो उससे मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो मांग का नियम सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है। दूसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो इसका अर्थ है वह वस्तु अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो गई है। उपभोक्ता महंगी वाली वस्तु के स्थान पर कम कीमत वाली उससे मिलती जुलती वस्तु का क्रय करेगा। जैसे यदि चाय और कॉफी में कॉफी की कीमत कम होने और चाय की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर उपभोक्ता कॉफी की अधिक मांग करेगा। अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव का यह मतलब होता है कि अगर दो वस्तुएं हैं जिनको उपभोक्ता पसंद करता है, लेकिन उनमें से अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और एक वस्तु की कीमत पहले जैसे स्थिर रहती है, तो उपभोक्ता दूसरी वाली वस्तु का उपभोग करेगा जिसकी कीमत में कोई वृद्धि ना हुई हो। तीसरा उदाहरण है आय प्रभाव। वस्तु की कीमत कम हो जाने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी आय में बचत होती है। इस अतिरिक्त आय से वह और अधिक मात्रा में वस्तु का क्रय कर सकता है और वस्तु का मूल्य अधिक होने पर वह वस्तु की कम मात्रा का क्रय करेगा। तो उपभोक्ता की आय भी मांग के नियम को प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता की आय अधिक होगी तो वो अधिक मात्रा में बचत भी करेगा और अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय भी कर सकता है। अगर उसकी आय कम होगी तो वस्तु की वो कम मात्रा का क्रय या कम मात्रा को खरीदेगा। चौथा है वस्तु के विभिन्न उपयोग। कुछ वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं, जैसे दूध, बिजली आदि। ऐसी वस्तुओं की जब कीमत बढ़ जाती है तो उसका प्रयोग केवल महत्वपूर्ण कार्यों में ही किया जाता है, जिससे उसकी मांग घट जाती है। इसके विपरीत इनकी कीमत कम होने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, दूध। दूध ऐसी वस्तु है जिसके कई सारे प्रयोग होते हैं, मिठाइयों में, पनीर बनाने में, दही बनाने में। अगर दूध की कीमत बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, इन वस्तुओं की मात्रा का उपभोग कम करेंगे, और अगर दूध की कीमत कम हो जाती है तो लोग इन्हीं वस्तुओं, दूध से बनी वस्तुओं की मांग अधिक करेंगे। तो मांग का नियम कि ये जो चार महत्वपूर्ण कारण थे कि सीमांत उपयोगिता हास नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और वस्तु के विभिन्न उपयोग, ये मांग के नियम की कार्यशीलता के कारण है। अब यह प्रश्न उठता है कि मांग का नियम गुणात्मक कथन है या परिणात्मक कथन है। इसकी हम विवेचना यहाँ पे करते हैं। मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात वस्तु की कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, परिणात्मक नहीं, क्योंकि यह नियम केवल इस बात की व्याख्या करता है कि वस्तु के मूल्य पर बढ़ने पर मांग में कमी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि मूल्य के कम होने पर
मांग बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे मांग का नियम गुणात्मक कथन है, ना कि परिणात्मक। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ मेरे YouTube चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।